फ्रेंड्स करते हैं वायरिंग। वायरिंग के लिए लिए हमने एक डोरबेल। ये जो डोरबेल लेंगे हम, ये बैटरी वाली डोरबेल लेंगे जिसमें दो सेल डलते हो। ये इधर इसमें दो सेल डलेंगे, दो बैटरी। पहले हम इसमें बैटरी लगा लेते हैं। ये डबल ए साइज़ की दो बैटरी डलती है, ये हमने लगा ली है। और इसकी दो वायर फ्रेंड्स इनको टच करेंगे तब ये बजेगी। ये देखिए इस तरह से। ये जब भी आप लेंगे सिक्योरिटी अलार्म बनाने के लिए, तब आपको ये बैटरी वाली डोरबेल लेनी है, क्योंकि इसमें कोई करंट लगने का खतरा नहीं है। और अब फ्रेंड्स लेंगे हम वायर, रेड और ब्लू कलर की वायर लेंगे। वायर के एक एंड को हम, ये डोरबेल की दो वायर है वाइट कलर की, एक वायर के साथ में रेड वायर को कनेक्ट करेंगे। और इसको पीवीसी टेप से कवर कर देंगे फ्रेंड्स। इसमें कोई करंट लगने का खतरा नहीं है और ये फुल सिक्योरिटी अलार्म है। जैसे ही घर का डोर खुलेगा, रात में कोई भी खोलेगा, तो ये ऑटोमेटिक बजना स्टार्ट कर देगा फ्रेंड्स। तो आपकी घर की पूरी सुरक्षा होगी। और अब फ्रेंड्स हम ये ब्लू कलर की वायर को डोरबेल की ये वाली वायर के साथ में कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट हो गया। अब इसको भी पीवीसी टेप से कवर कर देंगे फ्रेंड्स। दोनों वायरों को अलग अलग करना है। आप इसको जब चाहे जब ऑन करके छोड़ दीजिए। अगर आपको लगे कि दोपहर में कोई अंदर बाहर न हो, तब भी आप इसको ऑन करके छोड़ सकते हैं, और रात में तो आप ऑन कर ही सकते हो। जैसे ही डोर खुलेगा तुरंत ये बजना स्टार्ट होगा। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक बेड स्विच। ये बेड स्विच है। बेड स्विच में क्या होता है, पीछे इसके कैनोपी रहती है, यानी कि कवर रहता है ये, इसलिए बेड स्विच लिया हमने। बेड स्विच का ये ऊपर की कैनोपी खोल लिए। बेड स्विच में दो टर्मिनल रहते फ्रेंड्स। और अब फ्रेंड्स हम वायर लेंगे रेड और ब्लू कलर की। वायर के एक एंड को कनेक्ट करेंगे हम बेड स्विच के एक टर्मिनल पे, ब्लू वायर को कनेक्ट करेंगे यहां पे, और रेड वायर को ये वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। और इसमें फ्रेंड्स आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो कई बार क्या होते हैं दरवाजा खोल के बाहर निकल जाते हैं, तो इसमें जैसे ही आपका गेट खुलेगा दोपहर के टाइम या किसी भी टाइम, तो ऑटोमेटिक बजना स्टार्ट हो जाएगा ये अलार्म। यह आपको हर प्रकार से मतलब निश्चित हो जाएंगे आप, पूरी सिक्योरिटी रहेगी, आपकी डोर खुलते ही बजना शुरू हो जाएगा। और जब चाहेंगे आप उसको बंद भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अब इसके ऊपर की कैनोपी को लगा देते हैं। ये एक कैनोपी लगा देते, एक स्क्रू रहता है इसको टाइट कर देते फ्रेंड्स। ये हो गया। अब ये अलग वायर है और ये वाली अलग वायर है। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक इस टाइप का लिमिट स्विच। ये लिमिट स्विच आपको नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है। इसमें आप देखोगे ये एक इसका लीवर है जो कि आपके दरवाजे के साथ में टच रहेगा। दरवाजे में ऐसे लगाएंगे आप इसको, दरवाज़ा इसको धकेल के रखेगा तब ये बंद रहेगा। जैसे ही डोर खुलेगा ये ऑटोमेटिकली डोरबेल को बजाएगा, यानी कि एक सिक्योरिटी अलार्म को ऑन कर देगा। इसलिए इसको यूज़ किया। ये ज़्यादा नहीं, महंगा नहीं है, 10 से 20 रुपए में आपको इलेक्ट्रिकल दुकान पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। अब इसके तीन टर्मिनल है, आप देख रहे हो, ये इधर कॉमन है, ये इधर NC है और ये NO है। आप डोरबेल से जो वायर आई है रेड कलर की वायर, उसको आप कनेक्ट करेंगे इसके NC पॉइंट पे। ये NC जो टर्मिनल है इसका, ये वाला, इस टर्मिनल के साथ में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसको रेड वायर को जो डोरबेल से आई है, ये वाली वायर यहाँ पे कनेक्ट करके, और इसको यहाँ टाइट कर देंगे। और
अब फ्रेंड्स ये रहेगी ब्लू कलर की वायर। अब लेंगे हम ये बेड स्विच में जो वायर कनेक्ट की थी, बेड स्विच में वायर कनेक्ट की रेड कलर की वायर, रेड कलर की वायर को कनेक्ट करेंगे हम ये इसके कॉमन टर्मिनल पे, यहाँ पे ये वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ पे टाइट करेंगे। अब फ्रेंड्स जैसे ही आपको ये बना लेते हैं तो जैसे ही आपके घर का डोर खुलेगा, मेन डोर, तुरंत आपको पता लग जाएगा कि मेन डोर का गेट खुला है, तो इसलिए ये अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। आपके घर में छोटे बच्चे हैं वो बगैर बताए अगर घर से जाएंगे तब भी अलार्म बजेगा, या फिर रात में कोई अंदर आता है डोर को खोल करके तब भी ये बजेगा, यानी कि सिक्योरिटी अलार्म है ये। आप इसको आसानी से खुद से बना सकते हैं फ्रेंड्स, बस आपको इसमें एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको जब भी आप ये डोरबेल लेंगे आपको बैटरी वाली डोरबेल लेनी है। अब इसमें रह गई है ये ब्लू कलर की वायर, ब्लू कलर की वायर को दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, इस तरह से कनेक्ट करके इसको टेप से कवर करेंगे फ्रेंड्स, पीवीसी टेप से कवर कर देंगे। और वायर की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ये वाला इसको ऐसे कवर कर देंगे। अब ये सिक्योरिटी अलार्म की वायरिंग कंप्लीट हो गई है, ये इस तरह से होगा, ये आपका डोर के पास लगेगा, जो जहाँ पे डोर लगे हैं उसकी चौखट होती है उसमें कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे अंदर की साइड में, और जैसे ही दरवाज़ा इसको टच होगा ये ऐसे चिपका रहेगा, और जैसे रिलीज होगा दरवाज़ा खुलते ही हल्का सा तुरंत ये बजना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से ये काम करेगा। अब इसको ऑन कर लेते हैं, ये स्विच ऑन ऑफ के लिए है, जब भी आपको ऑफ करना हो तब इस स्विच को ऑफ कर दीजिए, जैसे अभी हमको ऑन करना है। और अभी क्या है फ्रेंड्स, ये दरवाज़ा बंद है, ये देखिए अभी खुला था क्योंकि छोड़ रखे हमने इसलिए बजा था ये, अभी दरवाज़ा बंद है क्योंकि लीवर ऐसे आप इसको लगा दीजिए, दरवाज़ा लीवर को टच रहेगा तब तक ये बजेगा नहीं, और जैसे ही गेट खुलेगा, घर का गेट है जो भी मेन डोर पे जहाँ भी आप लगाओगे तुरंत ये बजना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि घर का गेट खुला है, और फिर डोर को बंद करते हैं तब ये बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ऐसे ये बंद हो गया है। और जैसे आपको किसी भी टाइम बंद करना है इसको तब स्विच को बंद कर दीजिए और डोर को खुला रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से फ्रेंड्स आप एक डोर बेल की मदद से, और एक ये 10 से 20 रुपए का स्विच है लिमिट स्विच, इसकी मदद से आप एक सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम बना सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स।